हमारे देश हिंदुस्तान में कई राज्य हैं, उन राज्यों में कई शहर हैं, उन्हीं सब शहरों में से एक के बारे में आज जानते हैं। बुलंदशहर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का एक जिला बुलंदशहर। भारत में उत्तर प्रदेश के पश्चिम में स्थित है बुलंदशहर। पूर्व में गंगा नदी व पश्चिम में यमुना नदी इसकी सीमाएं बनाती है। बुलंदशहर के उत्तर में मेरठ, दक्षिण में अलीगढ़ जिले हैं और पश्चिम में राजस्थान राज्य पड़ता है। इसका क्षेत्रफल 4,352 वर्ग किलोमीटर है और जनसंख्या 50 लाख है। अनूप शहर, जहांगीराबाद, खुर्जा, सियाना, दुबई, सिकंदराबाद वे शिकारपुर इसके प्रमुख नगर हैं और बुलंदशहर नगर इस जनपद का मुख्यालय है। हाईवे से जैसे ही आप बुलंदशहर में एंटर करते हैं तो सबसे पहले आपको एक नहर को क्रॉस करना पड़ता है। उससे आगे चले तो आपको कांजी के बड़े के बहुत से स्टॉल नजर आएंगे। ये स्टॉल यहाँ कुछ साल पहले सिर्फ एक दो ही होते थे, लेकिन अब तो सड़क के दोनों तरफ नहर के बाद से भूड़ चौराहे तक लाइन से हर 10 कदम पे है। इसका मतलब है कि यहाँ के लोग और शहर के बाहर से आने वाले लोग इसे बहुत पसंद करते हैं, तभी ये स्टॉल इतनी तादाद में यहाँ बढ़ते जा रहे हैं। भूड़ चौराया यही है बुलंदशहर का एंट्री गेट। इसे स्वच्छता एवं पर्यावरण द्वार कहते हैं। कुछ साल पहले इसका नाम साक्षरता द्वार था। इस गेट से बुलंदशहर में एंटर करने के बाद थोड़ा आगे चल के आपको नजर आएगी वो जगह जहां इस शहर का सोमवार बाजार लगता है। यहीं पर नौचंदी मेला भी लगता है। कुछ और आगे चलने पर आता है शहर के बीच में पड़ने वाला काले आम चौराया। ये चौराया शहीदों की वीर भूमि है, जिसका आम रूपी शिल्प एक ऐसे आम्र वृक्ष का प्रतीक है जहां स्वतंत्रता के लिए लड़ने वालों को फांसी दी जाती थी। ब्रिटिश अधिकारी क्रांतिकारियों को सरेआम फांसी पर लटकाते थे, इसी वजह से इसे कत्लेआम चौराया कहते थे, जो अब भ्रंशित होकर काला आम चौराया हो गया था। वर्तमान में इसका नाम शहीद भगत सिंह पर शहीद चौक है। इसी चौराहे पर एक पार्क है जिसमें ब्रिटिश काल का विक्टोरिया क्लॉक टावर आज भी है। इसका नाम महात्मा गांधी पार्क है, लेकिन यहाँ के लोग इसे मलका पार्क कहते हैं। लोग यहाँ टहलने और एक्सरसाइज करने आते हैं। यहाँ से और आगे चलने पर आती है काली नदी, जो ऊपरकोट इलाके के पास है। हस्तिनापुर के बाद पांडव आहार में आकर बसे थे, जो बुलंदशहर जिले में ही आता है। सालों बाद राजा परम ने इस इलाके में एक किले का निर्माण कराया। बहुत सालों बाद राजा अहिबरन ने बुलंदशहर में बरन टावर बनवाया। बुलंदशहर का इतिहास
लगभग 1200 वर्ष पुराना है। इसका प्राचीन नाम बरन था। इसकी स्थापना अहिबरन नाम के तोमर राजा ने की थी। राजा अहिबरन ने एक सुरक्षित किले का भी निर्माण कराया था, जिसे आज के वक्त में ऊपर कोट कहा जाता है। ये शहर ऊंचाई पर होने की वजह से बुलंदशहर कहलाया। इस किले के चारों ओर सुरक्षा के लिए नहर का निर्माण भी था। पास ही बहती हुई काली नदी के जल से इसे भरा जाता था। राजा अहिबरन ने इस सुरक्षित परकोटे में अपनी आराध्य कुल देवी माँ काली के भव्य मंदिर की भी स्थापना की थी। राजा अहिबरन के वंशज राजा अनूप रॉय ने भी यहाँ शासन किया, जिन्होंने अनूप शहर नामक शहर बसाया और उनकी शिकारगाह जहाँ वो शिकार करते थे आज शिकारपुर नगर के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ ब्रिटिश कालीन टाउन हॉल है, जिसे वर्तमान में जिला निर्वाचन कार्यालय बनाया गया है। यहाँ के लोग बहुत धार्मिक हैं। शहर में बहुत से मंदिर हैं, जिनमें से कुछ तो कई सौ साल पुराने हैं। नगर में स्वयंभू शिवलिंग मंदिर है, जिसका नाम राज राजेश्वर मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण राजा अनूप रॉय ने कराया था। आज तक भी लोगों में इसकी बहुत मान्यता है। नगर में तीन पुरातन मंदिर हैं, भूतेश्वर महादेव मंदिर, कालेश्वर मंदिर और देवी भवन मंदिर। भूतेश्वर महादेव मंदिर बुलंदशहर के पुरातन मंदिरों में आता है। इस मंदिर के पीछे एक तालाब है जो आज सूखा हुआ है। कहते हैं कि यह वही जगह है जहां यक्ष ने युधिष्ठिर से सवाल किए थे। कालेश्वर मंदिर एक छोटा सा मंदिर है, लेकिन यह भी शहर का पुरातन मंदिर है। तीसरा पुरातन मंदिर है देवी भवन मंदिर। शरद ऋतु के नवरात्रों में शहर में काली निकलती है। वो सभी काली पहले इस पुरातन देवी भवन मंदिर से होकर निकलती है। इसी से इस मंदिर की मान्यता का अंदाजा लगाया जा सकता है। नगर के चौक बाजार में प्राचीन राम मंदिर है। और वहीं मंदिर के सड़क पार स्वयंभू प्रकट हैं सिद्ध हनुमान जी, जहां मंगलवार और शनिवार को भक्तों की भारी भीड़ रहती है। लेकिन शहर का सबसे मशहूर मंदिर है देवी काली मंदिर। यहाँ रोज भक्तों का आना लगा रहता है। इस मंदिर की मान्यता की वजह से दूसरे शहरों से भी लोग अपनी मुरादें लेकर काली माँ के दर्शन के लिए आते हैं। दिल्ली से बुलंदशहर 75 किलोमीटर की दूरी पर है। शहर से सबसे निकटतम हवाई अड्डा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है।
भारत के कई प्रमुख शहरों से रेल मार्ग द्वारा बुलंदशहर पहुंचा जा सकता है। सबसे नजदीक रेलवे स्टेशन हापुड़ है। सड़कों से ये शहर मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, दिल्ली, अलीगढ़, आगरा, बदायूं और जयपुर आदि शहरों से जुड़ा हुआ है। बुलंदशहर जनपद के नरौरा क्षेत्र में गंगा के किनारे एक परमाणु विद्युत तापगृह स्थापित है। आजादी के बाद गंगा पर पहला बैरेज यहीं बना था, जिसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने किया था। दूध के कारोबार में बुलंदशहर देश में अपनी एक नई पहचान बना रहा है। बुलंदशहर की पारस डेरी, मधुसूदन डेरी, सेवा डेरी जिले के साथ साथ एनसीआर को भी दूध मुहैया करा रही है। पानी के हैंडपंप बनाने की कई यूनिट्स बुलंदशहर में है। कुछ स्थानों पर राजपूतों, गुजरों और जाटों के परिश्रम से भूमि कृषि योग्य कर ली गई है। यहाँ की मुख्य उपज गेहूं, चना, मक्का, जौ, ज्वार, बाजरा, कपास व गन्ना आदि हैं। करघे से कपड़ा बुना जाता है। सूत काटने, कपड़ा बनाने का काम जहांगीराबाद में, बर्तनों का काम खुर्जा में, कांच से चूड़ियां, बोतलें और लकड़ी का काम बुलंदशहर व शिकारपुर में होता है। खुर्जा में बनने वाली क्रॉकरी विश्व प्रसिद्ध है। गणतंत्र दिवस पर जिले का नाम बढ़ाने वाली क्रॉकरी खुर्जा में ही बनाई जाती है। खुर्जा व बुलंदशहर नगर में कई नामी आयुर्वेदिक चिकित्सक भी रहे हैं। बुलंदशहर महान संतों, वैद्यों व योगियों की जन्म व कर्म भूमि रहा है। यहाँ पर महाभारत कालीन साक्ष्य भी प्रमाण स्वरूप प्राप्त हुए हैं। वर्तमान में भी कई बड़े संत व योगी यहाँ रहते हैं, क्योंकि ये जनपद दो महत्वपूर्ण नदियों गंगा व यमुना के मध्य स्थित है। इसी कारण से यह पवित्र भूमि है। हमारा चैनल बिग पाथ प्रोडक्शन सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें।